हेलो गाइस, माय सेल्फ अरविंद मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ एरोडायनामिक्स दैट इज मॉड्यूल 8. सो द इंडेक्स फॉर माय टुडेज वीडियो प्रेजेंटेशन विल बी टाइप्स ऑफ ड्रैग दैट इज इंड्यूस ड्रैग एंड वेव ड्रैग. अपार्ट फ्रॉम दीज टू ड्रैग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अदर काइंड ऑफ ड्रैग लाइक प्रोफाइल ड्रैग, फॉर्म ड्रैग, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, इंटरफेरेंस ड्रैग एंड पैरासाइट ड्रैग. सो इफ यू वॉन्ट टू know about those kind of drag, you have to watch my previous video. Okay, now let us have a kind of overview on this index. So again I would like to tell you what is drag. Actually drag is a parallel component of force which is parallel to that free stream velocity, or I can define drag is a resistive force which stop my aircraft in order to move forward. Okay, now अब बात करते हैं हम इंड्यूस ड्रैग और वेव ड्रैग की. इंड्यूस ड्रैग क्या है एक्चुअली, मैं इसको इन शॉर्ट बोलना चाहूँगा, इट इज़ अ लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग. ये लिफ्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है. अब ये कैसे होता है ये हम आगे स्लाइड में देखेंगे. वेव ड्रैग क्या है, दिस ड्रैग विल प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ शॉक वेव. जब शॉक वेव प्रोड्यूस होगी तब ये काइंड ऑफ ड्रैग हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है. तो ये हुआ छोटा सा ओवरव्यू इन दोनों टाइप ऑफ ड्रैग के ऊपर. बाकी अब हम स्लाइड्स में देखते हैं. ओके, नाउ इंड्यूस ड्रैग. पहला पॉइंट, व्हेन विंग प्रोड्यूसेस लिफ्ट, प्रेशर ऑन अपर सरफेस इज लोअर एंड प्रेशर ऑन लोअर सरफेस इज हायर, बट इट इज बीइंग इक्वलाइज्ड एट विंग टिप, सो देयर इज अ स्पैन वाइज प्रेशर ग्रेडियंट. तो जैसा कि आपको पता है कि एरोफॉइल के अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसी की वजह से हमें लिफ्ट मिलती है. अब अपर सरफेस पे, एरोफॉइल के अपर सरफेस पे यू विल हैव लोअर प्रेशर एरिया, वेयर एज लोअर सरफेस पे आपको हाई प्रेशर एरिया मिलेगा. मतलब हाई और जो फ्लो की टेंडेंसी होती है वो हाई टू लो होती है, मतलब वो लोअर सरफेस से अपर सरफेस की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है आपको, जो आपका विंग है ऑब्वियसली नंबर ऑफ एरोफॉइल्स उस पर अटैच है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक एरोफॉइल की बात करें, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एरोफॉइल. सेकंड पॉइंट, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस ऑन 3D विंग देर इज इनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑन अपर सर्फेस एंड आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑन लोअर सर्फेस. ये अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा. कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा आपके विंग के ऊपर, यानी कि अगर मैं सिर्फ एरोफॉइल की बात करूं तो एरोफॉइल के अपर और लोअर सरफेस पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा, अब यहाँ पे क्योंकि इंड्यूस ड्रैग की बात कर रहे हैं तो 3D विंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम विंग को कंसीडर कर रहे हैं. विंग को कंसीडर कर रहे हैं तो विंग में नंबर ऑफ एरोफॉइल्स अटैच है, तो विंग आप ये समझ लिए फ्यूजलेस से अटैच है, मतलब वो रूट है और टिप आपकी जो अवे फ्रॉम द रूट है. तो वहाँ पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट. तो जो विंग का अपर सरफेस होगा उस पर आपको इनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट दिखेगा, और जो लोअर सरफेस होगा उस पर आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट दिखेगा. आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट लोअर सरफेस पे क्यों, क्योंकि नीचे ज़्यादा प्रेशर एरिया है. कॉन्सिक्वेंटली एज दे मीट एट ट्रेलिंग एज स्मॉल वोर्टिसेस आर फॉर्म नेम्ड एज ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस. अब एक मतलब अपर सरफेस पे आप देख रहे हैं इनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है, मतलब और आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट आपको लोअर सरफेस पे देखने को मिल रहा, तो ये दोनों टेंडेंसी रखेंगे एक जगह ट्रेलिंग एज पे मिलने की. तो ट्रेलिंग एज पे ये मिलेंगे तो एक छोटे छोटे वोर्टिसेस फॉर्म होंगे, उन्हें बोलेंगे ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस. अब ये वोर्टिसेस जब कलेक्ट होना शुरू करेंगे तो ये टिप की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे, और जब वहां पे मूव करेंगे तो एक स्ट्रांग वोर्टिस फॉर्म करेंगे. जैसे जैसे ये वोर्टेक्स स्ट्रांग होता जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग एक तरह से विंग टिप वोर्टिसेस. अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, विद इन ए स्मॉल पीरियड ऑल वोर्टिसेस गेट कलेक्टेड एट द विंग टिप ड्यू टू स्ट्रांग इफेक्ट एंड फॉर्म टू स्ट्रांग वोर्टिसेस नेम्ड एज विंग टिप वोर्टिसेस. मतलब अब आपको विंग टिप पे वोर्टिसेस दिखेंगे जो कि बहुत स्ट्रांग वोर्टिसेस हैं, उन्हें बोलते हैं विंग टिप वोर्टिसेस. अब आप ये डायग्राम देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको. ये आपका अपर सरफेस ऑफ विंग बता रहा है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये इनवर्ड आपको दिखा रहा है. ये आपका लोअर सरफेस है तो ये आपको आउटवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है. जो एरो मार्किंग है वो एरो आपको इनवर्ड और आउटवर्ड
फ्लो की वेलोसिटी कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टॉप सरफेस पे एयर फ्लो इनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एरो आप देख रहे हैं इनवर्ड यानी कि टूवर्ड दिस सेंटर लाइन आपके मूव कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। इधर आप देखिए ये सेंटर लाइन है, इसके अवे फ्रॉम मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है। ये तो हो गया ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस के फॉर्मेशन का रीजन, इस वजह से क्या होगा ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस फॉर्म होंगे, एक इनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट हुआ, दूसरा आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट हुआ, अपर और लोअर सरफेस पे ये हो रहा है। इन दोनों की वजह से ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस फॉर्म हुए जो दिखा रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस फॉर्म हो रहे हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात, ये आप देखिए क्लॉकवाइज है, कैन यू सी दिस, और ये आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। ओके सो नाउ यू कैन सी दिस, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिख रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज में दिख रहा है। अब ये ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस होगा जो कि फॉर्म हुए इनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट और आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से। अब बात करते हैं ये जब टेंडेंसी रखेंगे टिप की तरह कलेक्ट होने की, तो टिप पे ये फॉर्म करेंगे स्ट्रांग वोर्टिसेस, तो ये बनेंगे विंग टिप वोर्टिसेस। ये आप देखिए ये टिप हो गए, इनके टिप पे फॉर्मेशन होगा, तो दो विंग टिप वोर्टिसेस फॉर्म होंगे, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस जो धीरे धीरे बन रहा है और वो सारे कलेक्ट हो रहे हैं विंग टिप की तरफ, और टिप पे ये दो स्ट्रांग वोर्टिसेस फॉर्म करते हैं, तो वो उन्हें बोलते हैं विंग टिप वोर्टिसेस। तो अब एक बार रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा अपर सरफेस पे आपका लो प्रेशर एरिया है और लोअर सरफेस पे आपका हाई प्रेशर एरिया है, इन दोनों की वजह से आपको लिफ्ट मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि विंग पे हम आप जो फ्लो की टेंडेंसी होगी वो लोअर सरफेस से अपर सरफेस की तरफ मूव करने की होगी, क्योंकि हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करता है। फिर हमने देखा कि विंग के अपर सरफेस पे वेलोसिटी कंपोनेंट का जो टेंडेंसी रहेगा वो इनवर्ड रहेगा, वेयर एज इसका लोअर सरफेस पे आप आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट पाएंगे। इन दोनों की वजह से आपको ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस जनरेट होते हुए दिखेंगे। ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस जब जनरेट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक तरफ क्लॉकवाइज है और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जब ये ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस कलेक्ट होंगे तो ये दो विंग टिप वोर्टिसेस फॉर्म करेंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होगी टिप की तरफ मूव करने की, और वहाँ पे ये स्ट्रांग वोर्टिसेस फॉर्म करके विंग टिप वोर्टिसेस को जनरेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये आपका ट्रेलिंग एज के बारे में बता रहा है, ये सेंटर लाइन है, इससे मतलब अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा है। ये तो आपका लेफ्ट विंग हो गया, तो लेफ्ट विंग के वोल्टेज के बारे में बता रहे हैं। आप देखिए ये यहाँ पे कम है, यहाँ पे उससे ज़्यादा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब इसका मतलब देखिएगा क्या है। सेम आप राइट विंग वोल्टेज पे राइट विंग पे देखिए, ये कम, ये उससे ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा। तो अब जो सेंटर लाइन है, यानी कि मैं जो सेंटर लाइन है मतलब अगर आप रूट की तरफ मूव कर रहे हैं, रूट मतलब जहाँ पे ये विंग आपका अटैच है फ्यूजलेज पे, ये रूट है और ये टिप है, रूट एंड टिप। टिप पे देखिए स्ट्रांग वोर्टेक्स फॉर्म हो रहे हैं, दोनों तरफ आप देख सकते हैं टिप पे स्ट्रांग वोर्टेक्स फॉर्म हो रहे हैं। और आप रूट की तरफ देखिए मतलब आप सेंटर में अगर पाएंगे, सेंटर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सेंटर में धीरे धीरे आप मूव करते जाएंगे तो सेंटर लाइन ऑफ एयरक्राफ्ट के अगर देखें रेस्पेक्ट में, तो ये वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, मैं कह सकता हूँ जीरो तक भी हो सकती है, बट मैं जीरो नहीं वैल्यू यूज़ करूँगा, बट मैं बोलूँगा लीस्ट होगी। आपका सेंटर लाइन पे आप देखेंगे तो सेंटर पे जाके ये वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बट जैसे जैसे टिप की तरफ आप देख रहे हैं तो वोर्टेक्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होता हुआ दिखेगा, इसीलिए विंग टिप वोर्टिसेस आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। बाकी ट्रेलिंग एज पे जो वोर्टिसेस हो रहे हैं वो इनवर्ड और आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से हो रहे हैं, वो इनवर्ड आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट अपर एंड लोअर सरफेस पे जो है। देन आप इधर भी देख लिए, ये भी आपको ट्रेलिंग एज और वोर्टेक्स के बारे में दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ इस डायग्राम में आप देखिए इनवर्ड एंड आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट एयरक्राफ्ट पे किस तरीके से, फिर ये आपके टिप पे देखिए स्ट्रांग वोर्टिसेस फॉर्म होते हुए, ये आपके टिप पे विंग टिप पे गेटिंग, इस तरीके से आपको स्ट्रांग वोर्टिसेस फॉर्म होते हुए देखेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब बात करते हैं फर्दर पॉइंट्स की। तो बिहाइंड द विंग टिप वोर्टिसेस इंड्यूस अ डाउनवर्ड टू द एयर फ्लो विच डिफ्लेक्ट द रिलेटिव एयर फ्लो डाउन अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल थ्रू एन एंगल नोन एज एंगल ऑफ इंड्यूस डाउनवॉश। अब
आपको मैंने डाउनवॉश ऑलरेडी बताया हुआ है, बट रिपीट कर देते हैं। डाउनवॉश और अपवॉश दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। अपवॉश मतलब अहेड ऑफ द एरोफॉइल, एरोफॉइल के यहाँ पे जब फ्लो डेविएट होगा तो यहाँ पे कहीं पे अपवॉश देखने को मिलेगा। रियर साइड ऑफ एरोफॉइल मतलब पीछे एरोफॉइल के आपको डाउनवॉश देखने को मिलेगा। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये है डाउनवॉश आपका। ये जो एप्सिलॉन्ग है, मतलब एक तरह से ई समझ लिए इसको, जो ई अल्फाबेट है उससे डिनोट कर रखा है, इसको एप्सिलॉन्ग बोलते हैं एक्चुअली। ये आपका डाउनवॉश एंगल इंडिकेट कर रहा है, एंगल ऑफ डाउनवॉश, ये एप्सिलॉन्ग। ये आपका डाउनवॉश कहाँ क्रिएट हो रहा है, मैंने बताया रियर ऑफ द एरोफॉइल में आपको डाउनवॉश देखने को मिलता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ अटैक आप जब बढ़ाते हैं तब आपको डाउनवॉश और अपवॉश जैसी टेंडेंसी देखने को मिलती है फ्लो में, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, इस डाउनवॉश की वजह से ये जो लाइन है, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है आपने अभी तक क्या देखा, ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस देखे इनवर्ड एंड आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से। उनकी वजह से आपको विंगटिप वोर्टिसेस मिले जो कि स्ट्रांग वोर्टिसेस कहलाते हैं। उस विंगटिप वोर्टिसेस के अलावा आपको क्या मिलेगा, इस विंगटिप वोर्टिसेस के बाद आपको एक डाउनवॉश कंपोनेंट भी मिलेगा, मतलब पीछे डाउनवॉश भी मिलेगा। यहाँ पे आते आते आपको डाउनवॉश कंपोनेंट मिलेगा। तो ये डाउनवॉश कंपोनेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंड्यूस्ड ड्रैग को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको डाउनवॉश क्या है पता होना चाहिए। तो ये एंगल आपका डाउनवॉश एंगल हो गया, इधर ये भी, इसकी वजह से क्या होगा, अब बात करते हैं इस पे। डाउनवॉश तो मैं बोलता रहा कि व्हाट इज डाउनवॉश, ये हमने समझ लिया कि हाँ भाई, पहले ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस, फिर स्ट्रांग विंगटिप वोर्टिसेस, उसकी वजह से विंगटिप वोर्टिसेस की वजह से अब मुझे डाउनवॉश के बारे में जानना है। डब डाउनवॉश आया। अब ये डाउनवॉश एंगल का क्या रोल है यहाँ पे, जैसे जैसे ये डाउनवॉश एंगल बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ अटैक में रिडक्शन देखने को मिलेगा, मतलब आपको एंगल ऑफ अटैक को रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको क्या होगा, ये जो आपका लिफ्ट है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के, रिलेटिव एयर फ्लो के, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस डाउनवॉश ये टिल्ट हो जाएगा। ये लिफ्ट फैक्टर एक्चुअली ऐसे होना चाहिए बट ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला एंगल भी आपका डाउनवॉश एंगल होगा। ये दोनों का जो एंगल के बीच में जो गैप है, दैट विल बी नोन एज इंड्यूस्ड ड्रैग। तो आई कैन से इट इज़ अ लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग। तो इस स्लाइड में मैंने बात करी आपसे दो चीज़ों की। पहला, मैंने आपको डाउनवॉश के बारे में बताया, फिर मैंने डाउनवॉश एंगल के बारे में बताया कि ये जो एंगल है आपका, ये रिलेटिव एयर फ्लो के बीच में, और ये डेविएशन ऑफ द फ्लो जो है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी और एक रिलेटिव एयर फ्लो है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डाउनवॉश एंगल है। वो एंगल आपका डाउनवॉश की वजह से क्रिएट हुआ, इंड्यूस डाउनवॉश है। इसके साथ साथ इसकी वजह से क्या होगा, आपका लिफ्ट वेक्टर जो है वो टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा परपेंडिकुलर की वजह अब टिल्ट हो जाएगा, और वहाँ पे भी एक इंड्यूस्ड ड्रैग जैसी चीज़ क्रिएट करेगा। अब आगे देखते हैं। नाउ दिस डिफ्लेक्शन ऑफ एयर बिहाइंड द विंग इन्फ्लुएंस द रिलेटिव एयर फ्लो ऑफ द एयर अप्रोचिंग द विंग, डिफ्लेक्टिंग इट अपवर्ड बाय द सेम एंगल एज इट इज़ वॉट एवर आई एक्सप्लेन। मैंने क्या बताया आपको, जो एयर विंग के पीछे है, मतलब बिहाइंड द विंग है, वो क्या करेगी, रिलेटिव एयर को भी अफेक्ट करेगी जो कि विंग को अप्रोच कर रही है, और सेम एंगल यानी कि आपका जो एप्सिलॉन एंगल है उसी से डेविएट करेगी। ये देखिए, ये एंगल की वो बात कर रहा है, ये फ्लो अप्रोच कर रहा है विंग को, तो यहाँ पे भी एक डाउनवॉश क्रिएट करेगा, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी क्रिएट करेगा। अब दिस इन इफेक्ट रिड्यूस द एंगल ऑफ अटैक ऑन द विंग, रिड्यूस द ओवरऑल लिफ्ट एज द लिफ्ट विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द लोकल रिलेटिव एयर फ्लो इज टिल्टेड रियरवर्ड। अब क्या होगा, इस डाउनवॉश की वजह से, ये जो डाउनवॉश क्रिएट हुआ, इस डाउनवॉश की वजह से क्या होगा, आपका जो लिफ्ट है वो टिल्ट हो जाएगा। अब आपका लिफ्ट जो है आपका परपेंडिकुलर एक्ट ना करके एक एंगल पे एक्ट कर रहा है, वो एंगल है आपका डाउनवॉश एंगल। नाउ टू रिकवर दिस लॉस्ट लिफ्ट, अब लिफ्ट लॉस हुई है क्योंकि लिफ्ट टिल्ट हुआ है, आपको एंगल ऑफ अटैक पे काम करना पड़ेगा। तो टू रिकवर द लॉस्ट लिफ्ट ड्यू टू वोर्टेसिस फॉर्मेशन, ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि वोर्टेक्स फॉर्म हुए थे। द एंगल ऑफ अटैक मस्ट बी इंक्रीज टू इंक्रीज द लिफ्ट विच विल इंक्रीज द ड्रैग ऑन द एयरक्राफ्ट। अब क्योंकि आपका लिफ्ट फैक्टर टिल्ट हुआ तो लिफ्ट में लॉस देखने को मिलेगा, वो लिफ्ट में लॉस आपको वोर्टेक्स फॉर्मेशन की वजह से देखने को मिलेगा। तो अब आपको एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना होगा ताकि आपको लिफ्ट हाई मिले। अगर आप इस समय एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स आपको ड्रैग भी हाई मिलेगा। तो ये हो गया लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग नोन एज इंड्यूस्ड ड्रैग। तो आपने देखा हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया, एयर फ्लो से शुरू किया, कहाँ पे, थ्री डी विंग पे,
फिर हमने उस फ्लो का अपर और लोअर सरफेस पे इफेक्ट देखा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से हमने देखा कि हमें ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस दिखे, ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस ने विंग टिप वोर्टिसेस को लीड किया, विंग टिप वोर्टिसेस ने फिर डाउन वॉश के बारे में बात की, फिर हमने डाउन वॉश एंगल देखा, उस डाउन वॉश एंगल की वजह से लिफ्ट वेक्टर टिल्ट हुआ और आपको लिफ्ट में लॉस देखने को मिला थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो एंगल ऑफ अटैक है वो भी थोड़ा सा कम हो गया इस डाउन वॉश की वजह से और आपकी लिफ्ट भी कम हो गई। तो आपको लिफ्ट हाई करने के लिए एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना पड़ेगा, वो एंगल ऑफ अटैक आप जब बढ़ाएंगे तो आपको ड्रैग भी मिलेगा साथ साथ ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इंड्यूस्ड ड्रैग एंड इट्स विंग टिप वोर्टिसेस आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ लिफ्ट बाय द विंग। तो आपका इंड्यूस्ड ड्रैग और विंग टिप वोर्टिसेस दोनों एक तरह से लिफ्ट के कारण हैं विंग के ऊपर, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग है। अब कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ अटैक एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये आपको याद रखना है, जो CL है कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट वो एंगल ऑफ अटैक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो आपको पता है क्योंकि मैं पहले भी कई सारे अपने प्रेजेंटेशन में ये बात शेयर कर चुका हूँ। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ अटैक बढ़ेगा CL यानी कि लिफ्ट कोफिशिएंट का भी वैल्यू बढ़ेगा। लिफ्ट कोफिशिएंट है क्या, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डायनेमिक प्रेशर, करेक्ट और नॉट, इट इज़ अ रेशियो ऑफ लिफ्ट प्रेशर टू द डायनेमिक प्रेशर। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट को डिफाइन करेंगे और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, यानी कि अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाया तो आपको लिफ्ट कोफिशिएंट में डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ ये किसके केस में, इंड्यूस्ड ड्रैग के केस में बात कर रहा है। नाउ इंड्यूस्ड ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लिफ्ट कोफिशिएंट, ये आपको एनीहाउ याद रखना है। आपका CDI, जो CD मैं बोल रहा हूँ वो है ड्रैग कोफिशिएंट, उसके सफिक्स में I लगा रहा हूँ, मतलब CDI इज द ड्रैग कोफिशिएंट इंड्यूस्ड ड्रैग का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिफ्ट कोफिशिएंट के स्क्वायर के, मतलब CL के स्क्वायर। CDI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CL स्क्वायर, ठीक है। इंड्यूस्ड ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, आप वेट बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड ड्रैग भी बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए, पहला इंड्यूस्ड ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लिफ्ट कोफिशिएंट, CL को जो वैल्यू है उसके स्क्वायर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा इंड्यूस्ड ड्रैग जो है वेट के भी एयरक्राफ्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेट बढ़ेगा इंड्यूस्ड ड्रैग बढ़ जाएगा, सिमिलरली लिफ्ट कोफिशिएंट बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ड्रैग भी आएगा ही आएगा। नाउ ये तो हुआ इंड्यूस्ड ड्रैग के बारे में अभी तक, अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो इंड्यूस्ड ड्रैग को अफेक्ट करते हैं। विंग प्लान फॉर्म, एस्पेक्ट रेशियो एंड वेट एंड स्पीड, इन तीनों के बारे में हम इंडिविजुअली देखेंगे कि ये इंड्यूस्ड ड्रैग को कैसे अफेक्ट करते हैं। अब अगर मैं इन तीनों को देखूं तो विंग प्लान फॉर्म मतलब शेप की बात कर रहा है, विंग जो मैं किस शेप का यूज़ करूँगा, एस्पेक्ट रेशियो मतलब साइज ऑफ द विंग की बात कर रहा है, वेट एंड स्पीड हम देखेंगे, वेट अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड वेट बढ़ाते हैं तो इंड्यूस्ड ड्रैग कैसे इफेक्ट हो सकता है हम देखते हैं। अगर देखा जाए तो वेट के ऊपर मैंने अभी जस्ट नाउ आई टॉक कि इंड्यूस्ड ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट का, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं विंग प्लान फॉर्म। विंग प्लान फॉर्म इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ड्रैग एज द साइज ऑफ द विंग टिप कॉर्ड लेंथ डायरेक्टली अफेक्ट द साइज ऑफ विंग टिप वोर्टिसेस। अभी हमने देखा जो विंग टिप है उस पर वोर्टिसेस क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा इंड्यूस्ड ड्रैग क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब विंग प्लान फॉर्म अगर आपने किसी मतलब शेप होंगी, अभी मैं बात करूंगा रेक्टेंगुलर विंग प्लान फॉर्म की, तो यहाँ पे बोल रहा है जो आप प्लान फॉर्म यानी कि विंग किस शेप का आप यूज़ करने वाले हैं वो डायरेक्टली डिफाइन करता है इंड्यूस्ड ड्रैग कैसा रहेगा, क्योंकि वही आपका जो है विंग टिप वोर्टिसेस के ऊपर भी बात करेगा कि भाई विंग टिप वोर्टिसेस कैसे फॉर्म होने वाले हैं, और ये आपके विंग की कॉर्ड पे यानी कि टिप कॉर्ड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टिप पे ही आपके विंग टिप वोर्टिसेस फॉर्म हो रहे हैं। जितने भी ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस हैं वो धीरे धीरे जो वोर्टेक्स स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं वो टिप की तरफ फॉर्म कर रहे हैं, तो आपके लिए टिप कॉर्ड की लेंथ मैटर करती है। नाउ सेकंड पॉइंट बोलता है रेक्टेंगुलर प्लान फॉर्म विद अ लार्ज कॉर्ड लेंथ एट द विंग टिप विल अलाउ मोर एयर टू फ्लो फ्रॉम लोअर सरफेस टू अपर सरफेस प्रोड्यूसिंग मच लार्जर वोर्टिसेस देन द टैपर्ड वन।
तो यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपने एक रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का विंग प्रिफर किया तो उसका जो टिप पे यानी कि टिप ऑफ द विंग जो है उसकी कॉर्ड लेंथ चेक करेंगे तो ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे एयर फ्लो मूव करेगा लोअर जो अब विंग का लोअर सरफेस है और टू द अपर सरफेस, और आपको स्ट्रॉन्ग वोर्टिसेस फॉर्म करके देगा एज कम्पेयर टू द टैपर्ड वन। तो रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म हम ना ही प्रिफर करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके केस में हमें स्ट्रॉन्ग विंग टिप वोर्टिसेस देखने को मिलेंगे, मतलब हाई अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ड्रैग देखने को मिलेगा। सो टैपरिंग अ विंग टूवर्ड्स द टिप रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग फ्रॉम लोअर सरफेस टू द अपर सरफेस, देयर बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द विंग टिप वोर्टिसेस। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, टैपर। आप अगर विंग को टैपर कर देंगे, टैपर आपने टैपर रेशो भी पढ़ा था, टैपर रेशो क्या था, रूट कॉर्ड से टिप कॉर्ड का रेशो। तो अगर आप उस रेशो के ऊपर काम करेंगे तो आप वहाँ पे क्या होगा, आपका जो विंग टिप वोर्टिसेस की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस करने में मदद कर पाएंगे। अगर आपका विंग टिप वोर्टिसेस वीक हुआ तब आपका इंड्यूस ड्रैग भी कम हो जाएगा। तो आपने रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म पे अगर आपने प्लान किया रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म को यूज़ करने का और आपने उसे टैपर कर दिया तो आप कह सकते हैं अपना जो इंड्यूस ड्रैग है उसे आप कम कर पाएंगे। तो लेट्स सी फ्रॉम द डायग्राम, आप ये देखिए पहले रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म दिखा रखा है, आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में विंग है, तो आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग वोर्टिसेस फॉर्म हो रहे हैं इस पे विंग टिप के ऊपर। अब टिप पे देखिए स्ट्रॉन्ग वोर्टिसेस दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट डायग्राम में टैपर है, अब ये रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म नहीं रहा, आप देख सकते हैं ये अब रेक्टेंगुलर नहीं है। रेक्टेंगल मतलब लेंथ और ब्रेथ, मतलब एक तरीके से ये डायमेंशन इसके इक्वल, ये डायमेंशन इसके इक्वल, ये रेक्टेंगल है। बट यहाँ पे आप देखिए एक टैपर फॉर्म में दे रखा, इसका रेशो होगा बाय इसका रेशो, तभी आपको पता रहेगा, मतलब टिप कॉर्ड और रूट कॉर्ड इससे आप टैपर रेशो फाइंड करते हैं। तो आपने टैपर रेशो पे काम किया एंड यू फाउंड कि इंड्यूस ड्रैग की यानी कि इंड्यूस ड्रैग और विंग टिप वोर्टिसेस की स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस हो गई एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म। तो आई कैन से ये आपको समझ में आया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म से अगर टैपर विंग में कंपेयर कर रहा हूँ। तो हमने देखा विंग प्लानफॉर्म का क्या इफेक्ट है इस प्रोफाइल पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर प्लानफॉर्म इज़ नॉट प्रिफरेबल फॉर अस कि मतलब क्योंकि उसमें इंड्यूस ड्रैग हाई देखने को मिलेगा, तो अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ प्लानफॉर्म, इलिप्टिकल प्लानफॉर्म, जो कि हालांकि हम कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में नहीं प्रिफर करते बट फिर भी हम इसके बारे में क्यों बात करते हैं ये मैं बताता हूँ। इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टीज एज द डाउन वॉश रिमेन कॉन्स्टेंट अक्रॉस द कम्प्लीट विंग स्पैन, बट दिस टाइप ऑफ विंग गिव मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज, सो इज नॉट अ डिज़ाइन कॉमनली यूज इन मॉडर्न कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट। इसका मतलब है देखिए इलिप्टिकल प्लानफॉर्म मतलब एक इलिप्टिकल शेप का, जैसे कि विंग का शेप अभी रेक्टेंगुलर था ऐसे इलिप्टिकल प्लानफॉर्म अगर आप प्रिफर करते हैं वहाँ पर आपको डाउन वॉश कॉन्स्टेंट मिलेगा। डाउन वॉश एंगल मतलब आपका एप्सिलॉन जो अभी आपने मैंने प्रीवियस डायग्राम में आपको दिखाया था उसका वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा। वो कॉन्स्टेंट होगा मतलब क्या है, आपका जो पूरा विंग स्पैन है उस पर कॉन्स्टेंट रहेगा तो आपको इंड्यूस ड्रैग उतना नहीं मिलेगा। एक फॉर्मूला होता है, आई हैव नॉट मेंशन इन माय स्लाइड, बट वो फॉर्मूला इंडिकेट करता है CDI दैट इज इंड्यूस ड्रैग इज इक्वल टू CL स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू ई इंटू आस्पेक्ट रेशो, पाई इंटू ई इंटू आस्पेक्ट रेशो, ये डिनोमिनेटर में आएगा पाई ई आस्पेक्ट रेशो। अब जो मैंने ई प्रोनाउंस किया वो ई होता है ऑसवर्ल्ड एफिशिएंसी फैक्टर, वो आपके पोर्शन में नहीं है इसलिए उसके बारे में हमने स्लाइड में मेंशन नहीं किया, बट मैं इलेक्ट्रिकल प्लानफॉर्म के बारे में बात करूँ इसलिए मैं बता देता हूँ। वो ई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है इलिप्टिकल प्लानफॉर्म के केस में, वो ई की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब वो हम एकदम इग्नोर कर देते हैं तो हमारा जो डाउन वॉश है यानी कि जो ई जो हमारा और डाउन वॉश एंगल को इंडिकेट वो हमारा एकदम कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते और हमें लेस इंड्यूस ड्रैग मिलता है, एकदम मिनिमम टाइप का इंड्यूस ड्रैग आपको देखने को मिल सकता है इलिप्टिकल प्लान फॉर्म के केस में। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसे मैन्युफैक्चर करना और स्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज इसमें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है इसको मेंटेन करने में और मैन्युफैक्चर करने में। उसके बाद ये इसीलिए हम मॉडर्न एयरक्राफ्ट में नहीं यूज़ करते, तो फिर क्या प्रिफर करते हैं ये देख लेते हैं। अ गुड कॉम्प्रोमाइज दैट मेंटेन द एरोडायनेमिक एफिशिएंसी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिप्टिकल विंग इज अ स्ट्रेट टैपर्ड विंग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है एज पर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम रेक्टेंगुलर नहीं प्रिफर करना चाहते, इलिप्टिकल नहीं प्रिफर करना चाहते, तो हम क्या प्रिफर कर रहे हैं? हमने कॉम्प्रोमाइज़ लिया, कंबाइन इफेक्ट ये लिया, इलिप्टिकल विंग यानी कि इलिप्टिकल प्लान फॉर्म जो कि बेस्ट है, जिसमें इंड्यूस ड्रैग कम मिलेगा, एक तरह से ना के बराबर मिलेगा, वो हम प्रेफर करेंगे। इसमें क्या होगा, टैपर के साथ हम इसको प्रेफर करेंगे, तो इज अ स्ट्रेट टैपर्ड विंग, एक टैपर्ड विंग है जो स्ट्रेट करके, मतलब स्ट्रेट टैपर्ड विंग हम प्रेफर करेंगे, स्ट्रेट विंग को टैपर्ड करके, जैसे कि मैंने आपको पुराना डायग्राम दिखाया अभी, दैट इज टेलर्ड बाय द विंग ट्विस्ट एंड सेक्शन वेरिएशन। आप विंग को ट्विस्ट कर सकते हैं या फिर सेक्शन में ही वेरिएशन कर सकते हैं, ये आपको इस तरीके से मिलेगा। दिस टाइप ऑफ विंग इज द डिज़ाइन फाउंड इन मोस्ट मॉडर्न कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, ये हम आजकल के एयरक्राफ्ट में भी प्रेफर करते हैं। तो आपका एक एग्जाम्पल स्वेप्ट बैक विंग है, वो भी आप स्ट्रेट टाइपर्ड विंग में आप काउंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को वापस मैं पढ़ता हूँ, अ गुड कॉम्प्रोमाइज दैट मेंटेन द एरोडायनेमिक एफिशिएंसी। एरोडायनेमिक एफिशिएंसी मतलब एल बाई डी रेशियो की बात कर रहा है, आपको ऑप्टिमम एल बाई डी रेशियो या बेस्ट एल बाई डी रेशियो आपको जो मिलेगा एज क्लोज एज पॉसिबल टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्टिकल प्लेन, क्योंकि हमने बताया इलिप्टिकल प्लेटफॉर्म इज बेस्ट वन, तो इसके इक्विवेलेंट हमें मिलेगा। किसकी मदद से? स्ट्रेट टैपर्ड विंग अगर हम प्रेफर कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उसमें, और वो हमारा विंग ट्विस्ट से और सेक्शन वेरिएशन करके हमें मिल सकता है। तो हम प्रेफर करते हैं स्ट्रेट टैपर्ड विंग आज के टाइम में। नाउ एस्पेक्ट रेशियो कैसे हमारे विंग प्लान, मतलब इस पर इंड्यूस ड्रैग को अफेक्ट करता है। तो इंड्यूस ड्रैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्पेक्ट रेशियो। डायग्राम से समझिए, हाई एस्पेक्ट रेशियो आपका इंड्यूस ड्रैग देखिए कम है, लो एस्पेक्ट रेशियो इंड्यूस ड्रैग ज़्यादा है। तो वेरी क्लियर, इंड्यूस ड्रैग जो है मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एस्पेक्ट रेशियो को। जैसे जैसे आप एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाते जाएंगे, इंड्यूस ड्रैग हमारा कम होता जाएगा। आपको याद रखना है ये पॉइंट, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो इंड्यूस ड्रैग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एस्पेक्ट रेशियो। एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ शेयर करता हूँ, प्रोफाइल ड्रैग के बारे में कभी कभी पूछता है वो, अगर एस्पेक्ट रेशियो को चेंज किया तो प्रोफाइल ड्रैग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो माय आंसर इज प्रोफाइल ड्रैग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एस्पेक्ट रेशियो, वो एस्पेक्ट रेशियो पे डिपेंड नहीं करता, वो प्रोफाइल पे जाता है, मतलब शेप कैसा है ऑब्जेक्ट का उस पे काम करता है। तो प्रोफाइल ड्रैग हमारा एस्पेक्ट रेशियो पे कभी बात नहीं करता, इवन कोई बुक कभी मेंशन नहीं करी है ऐसा कोई पॉइंट कि प्रोफाइल ड्रैग एस्पेक्ट रेशियो के साथ चेंज होगा। नाउ वेट एंड स्पीड, द वेट एंड स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इंड्यूस ड्रैग प्रोड्यूस एज बोथ फैक्टर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लिफ्ट प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब ये दोनों का इफेक्ट हमें देखना है। अब देखते हैं क्या है, तो ये फॉर्मूले से मैं बात करूँगा CL, ये आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये CL लिफ्ट कोफिशियंट है, इज द रेशियो ऑफ लिफ्ट प्रेशर टू द डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर आपका हाफ रो वी स्क्वायर, ये आपका डायनेमिक प्रेशर है। तो इट कैन बी सीन, तो अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में वो क्या बताना चाह रहा है, अब ये डायनेमिक प्रेशर जो है, अगर इसमें मैं इस वेलोसिटी को हाफ कर देता हूँ, इस वेलोसिटी के वैल्यू अगर मैं हाफ कर देता हूँ, तो डायनेमिक प्रेशर जो है मेरा, ये मेरा क्या होगा, एक तरह से रिड्यूस हो जाएगा 4 times। ये एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको इसे समझना है। आप देखेंगे वी बाई टू उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वी बाई फोर आ जाएगा, तो एक तरह से 4 times मेरा रिड्यूस हो जाएगा डायनेमिक प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन लिफ्ट में अगर ये 4 times रिड्यूस हो जाएगा डायनेमिक प्रेशर, मतलब लिफ्ट को मेरे को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए लेवल फ्लाइट को, मुझे 4 times अपने CL को बढ़ाना पड़ेगा। सो टू स्टोर द लिफ्ट रिक्वायर्ड एंड मेंटेन लेवल फ्लाइट, द कोफिशियंट ऑफ लिफ्ट CL मस्ट बी इंक्रीज्ड 4 times बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ अटैक। मतलब आपको एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना पड़ेगा और अपनी लिफ्ट को CL की वैल्यू को 4 times करना पड़ेगा, 4 times बढ़ाना पड़ेगा अगर आपकी वैल्यू हाफ कर दी आपने। गेटिंग, यहाँ पे डायनेमिक प्रेशर में अगर V की वैल्यू आपने V बाई टू कर दी, वेलोसिटी को हाफ कर दिया, तो आपका जो CL है वो 4 times अफेक्टेड हो जाएगा। दिस हाउ एवर इंक्रीजेज द स्पैन वाइज फ्लो अराउंड द विंग टिप एंड साइज ऑफ द विंग टिप वोर्टिसेस। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो स्पैन वाइज फ्लो है वो अफेक्ट होगा, बढ़ जाएगा विंग टिप के अराउंड में, और स्ट्रांग वोर्टिसेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। नाउ इन लेवल फ्लाइट देयरफॉर द साइज ऑफ द विंग टिप वोर्टिसेस एंड इंड्यूस्ड ड्रैग विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट एट लो स्पीड वेयर अ हाई एंगल ऑफ अटैक मस्ट बी यूज्ड। अब
लेवल फ्लाइट है आपकी, मतलब आपकी स्पीड लो है, आपने लो स्पीड मेंटेन करके रखी। इस केस में अगर आपकी स्पीड लो है तो आपके जो साइज ऑफ विंग टिप वोर्टिसेस और इंड्यूस ड्रैग है वो ज़्यादा रहेगा, विंग टिप वोर्टिसेस की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी प्लस इंड्यूस ड्रैग भी ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही आप, क्योंकि आपने इस समय एंगल ऑफ अटैक भी आपका हाई, आपको हाई करना पड़ेगा क्योंकि इस समय लो होगा क्योंकि आपने लेवल फ्लाइट मेंटेन कर रखी है। नाउ कन्वर्सली एट हायर स्पीड, जब आप हायर स्पीड पे हैं, हाई स्पीड पे हैं, मतलब आपका साइज ऑफ वोर्टिसेस और इंड्यूस ड्रैग जो है वो लीस्ट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। सो एज टू मेंटेन द लेवल फ्लाइट, आपको लेवल फ्लाइट मेंटेन करना है। अब एंगल ऑफ अटैक मस्ट बी रिड्यूस्ड, क्योंकि हाई स्पीड है तो आपका एंगल ऑफ अटैक जो है वो रिड्यूस फॉर्म में होगा, कम होगा एंगल ऑफ अटैक आपका, आपको अगर हाई स्पीड पे अगर आप होंगे तो आपको मेंटेन करना होगा लेवल ऑफ फ्लाइट। आप इन दोनों पॉइंट में ये समझिए कि अगर आप लेवल फ्लाइट में तो आपका मतलब एंगल ऑफ अटैक ऑलरेडी लो पे होगा, लो एंगल ऑफ मतलब लो स्पीड होगा आपका, सॉरी लो एंगल ऑफ लो स्पीड होगा मतलब आपका एंगल ऑफ अटैक कुछ रहेगा, तो आपने लिफ्ट लेवल फ्लाइट मतलब लिफ्ट आपकी बैलेंस होगी वेट से और ड्रैग आपका थ्रस्ट से मेंटेन होगा, तो वहाँ पे आपका विंग टिप वोर्टिसेस और इंड्यूस ड्रैग दोनों ज़्यादा होंगी लो स्पीड के लो स्पीड में। अब हाई स्पीड में आपका विंग टिप वोर्टिसेस और इंड्यूस ड्रैग दोनों ही कम होंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन द लेवल फ्लाइट। नाउ अब आपको लेवल फ्लाइट अगर मेंटेन करनी है तो एंगल ऑफ अटैक को आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप एंगल ऑफ अटैक मतलब आप रिड्यूस करते हैं तभी आपका मतलब स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, तब आपको कंटिन्यू जो आप चाहते हैं मतलब लिफ्ट थोड़ा ड्रैग आपका थोड़ा रिड्यूस हो जाए वो आपका इंड्यूस ड्रैग रिड्यूस कर देगा। इंड्यूस ड्रैग देयरफॉर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो हम इन दोनों पॉइंट से कह सकते हैं इंड्यूस ड्रैग मेरा स्क्वायर ऑफ द स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो इंड्यूस ड्रैग मेरा कम होता जाएगा, तो हाई स्पीड पर मेरे को लेस इंड्यूस ड्रैग मिलेगा। Now it also follows that for any given airspeed, any increase in CL that increases the overall lift, like during maneuver or due to weight increase, will all also increase the amount of induced drag. So induced drag is directly proportional to weight. आप जैसे जैसे weight बढ़ाएंगे induced drag भी बढ़ता जाएगा, इस point में वो यही बोल रहा है, आप ये देख सकते हैं diagram. ये दिखाया हुआ है आपको स्लो स्पीड, मतलब एक तरह से हाई एंगल ऑफ अटैक। आप वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ देखिए बहुत ज़्यादा इसमें, ओके, और हाई स्पीड पे आप देखिए एंगल ऑफ अटैक आपका कम है हाई स्पीड पे, और इंड्यूस ड्रैग आपका दिखा रखा है आपको। तो आप इन पॉइंट्स को यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को आप रिलेट कर सकते हैं कि आपका हाई स्पीड पे इंड्यूस ड्रैग का जो स्ट्रेंथ है वो आपको कम देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब आपका इंड्यूस ड्रैग कम आपको देखने को मिलेगा, इसका जो स्ट्रेंथ है आपको कम देखने को मिलेगा। नाउ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंड्यूस ड्रैग, अब आपको देखना है कि इस इंड्यूस ड्रैग को कम करने का क्या तरीका है। पहली चीज़, अभी हमने इतना पढ़ा तो मैं इतना आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इंड्यूस ड्रैग को कम करने के लिए मैं आस्पेक्ट रेशियो पर काम करूँ तो भी काम हो जाएगा, मतलब मैं आस्पेक्ट रेशो क्या करूं बढ़ाने के लिए, इंड्यूस ड्रैग को घटाने के लिए आस्पेक्ट रेशो को बढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद मेरा मेन फोकस क्या है, मेरा मेन फोकस रहेगा विंग टिप वोर्टिसेस को कम करना, वो विंग टिप वोर्टिसेस जितने स्ट्रांग है अगर उनको मैंने कंट्रोल में कर लिया तो मैं इंड्यूस ड्रैग पे काम कर पाऊंगा, मतलब रिड्यूस कर पाऊंगा। तो पहला पॉइंट है टैपरिंग द विंग फ्लाइन फॉर्म, हम टैपर क्यों कर रहे हैं, अगेन मैं विंग टिप वोर्टिसेस की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना चाहता हूँ। वॉश आउट डिज़ाइन, वॉश आउट डिज़ाइन मैंने पहले डिस्कस किया है, ये एक डिज़ाइन फीचर है जिसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एट टिप इज लेसर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट रूट। विंग टिप मॉडिफिकेशन, आप विंग टिप को मॉडिफाई कर सकते हैं, विंगलेट जो आज के टाइम में हम एयरक्राफ्ट में कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। दूसरा, आस्पेक्ट रेशियो को बढ़ा सकते हैं। तो ये चार पॉइंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज फोर ऑल्सो देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स, बट ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, मैं इनके बारे में बात करूँगा। आपसे मेन अगर पॉइंट कोई पूछता है इंड्यूस ड्रैग को रिड्यूस करना है तो क्या करना है, आपको कैसे भी करके स्ट्रेंथ ऑफ विंग टिप वोर्टिसेस को रिड्यूस करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं, विंग प्लेटफॉर्म को टैपर कर दो, या फिर वॉश आउट फीचर इस्तेमाल कर लो, आस्पेक्ट रेशियो बढ़ा दो, या आप विंग टिप मॉडिफिकेशन कर दो, विंग टिप पे कोई डिजाइन लगा दो। नाउ
ये कुछ डायग्राम्स मेंशन किए हुए हैं कि विंग टिप फेंस, इसमें स्ट्रेंथ दिखाई हुई है वोर्टेक्स की, फिर मॉडिफाइड विंग टिप के बारे में, फिर विंग टिप टैंक, मतलब यहाँ पे कोई टैंक जैसे अपने एयरक्राफ्ट में लगा हुआ, अपने हैंगर में भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो आपको दिखा रखा है टैंक माउंट हुआ, तो आप देख सकते हैं डायग्राम। नाउ वॉश आउट से क्या होगा, डिज़ाइन फीचर है ये, मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है, आप उसमें देखिएगा, और मैंने अभी भी बताया आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये एंगल है किसके बीच में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और आपके कॉर्ड लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये एंगल भी मैन्युफैक्चर के द्वारा डिसाइडेड होता है, वही फिक्स करके देखता है, पायलट कैन नॉट वेरी इट। नाउ वॉश आउट क्या है, एक डिज़ाइन फीचर है, मैंने आपको बता दिया। अब ये कैसे इफेक्ट करता है इंड्यूस ड्रैग को रिड्यूस करने में, कैसे मदद करता है, ये क्या करेगा, दिस अलाउ द प्रीडोमिनेंस ऑफ अ लिफ्ट टू बी जनरेटेड ऑन द इनर पार्ट ऑफ द विंग, मिनिमाइजिंग द प्रेशर डिफरेंस एंड लीकेज ऑफ द एयर फ्लो अराउंड द विंग टिप, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ वोर्टिसेस व्हेन लिफ्ट इज बीइंग जनरेटेड। तो यू गॉट द आंसर, ये क्या कर रहा है ये वॉश आउट फीचर, आपका जो प्रेशर डिफरेंस है उसको कम करने लगेगा, जब उसे कम करने लगेगा तो आपका जो लीकेज है एयर फ्लो का अराउंड द विंग टिप, यानी कि विंग टिप पे जो कलेक्शन हो रहा है उसको कम करेगा, उसके साथ साथ जो वोर्टेक्स का साइज है उससे पे भी काम करेगा। जैसे जैसे लिफ्ट जनरेट होती जाएगी तो ये इंड्यूस ड्रैग को कम करने में हेल्प करता रहेगा, कैसे, वोर्टेक्स को रिड्यूस करके, यानी कि साइज ऑफ द वोर्टेक्स और स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स दोनों को रिड्यूस करेगा ये। नाउ विंग टिप मॉडिफिकेशन, तो पहला पॉइंट है, अनदर वे द साइज ऑफ द विंग टिप वोर्टिसेस एंड इंड्यूस्ड ड्रैग कैन बी रिड्यूस इज फॉर द विंग टिप ऑन द एयरक्राफ्ट टू बी रीडिजाइंड टू इंक्लूड द विंग टिप डिवाइसेस। तो ये क्या बोल रहा है, इस टॉपिक में आप देखेंगे, आप जो विंग टिप है उस पर मॉडिफाइड डिवाइसेस या उस विंग टिप को ही मॉडिफाई करके आप इंड्यूस्ड ड्रैग को और विंग टिप वोर्टिसेस को कम कर सकते हैं। These devices reduces the flow of air from lower to upper surface. मतलब आपके pressure difference पे काम करेंगे, again यहाँ पे भी जो आपका lower से upper surface पे movement है air का उस पर काम करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, wing tip vortices को reduce कर देंगे, इसके साथ साथ downwash जो है behind the wing उसको भी reduce कर देंगे, वही हमारा induced drag को lead कर रहा है, तो induced drag भी हमारा reduce हो जाएगा for a given angle of attack. Now in modern aircraft the most effective method of reducing induced drag is the introduction of winglet or blended wingtip. अभी winglet का मैंने नाम लिया, तो आजकल के aircraft में आप winglet या फिर blended wingtip का इस्तेमाल करते हैं। These devices in addition to reducing the size of the wingtip vortices can also aid stability. मतलब जो आप winglet की बात कर रहे हैं वो आपके विंग टिप वोर्टिसेस को तो कम करेगा ही करेगा, इंड्यूस ट्रैक पे तो काम करेगा, मतलब उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, और इन सम डिज़ाइन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल लिफ्ट एंड थ्रस्ट। ये लिफ्ट और थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर, कुछ डिज़ाइन में आपका ये क्या करेगा, परफॉर्मेंस ऑफ एयरक्राफ्ट को इम्प्रूव कर देगा, कैसे, आपको एडिशनल लिफ्ट और थ्रस्ट देकर। तो ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको इंडिकेट कर रहा है विंगलेट्स, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये आपके विंगलेट है, टिप आपके जो एयरक्राफ्ट की टिप है उस पर विंगलेट हमने डिज़ाइन बना के रखा है। ये देखिए ब्लेंडेड विंगलेट, ओके, और इधर कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल रखा हुआ है मैंने विंग टिप, तो आप वोर्टेक्स का फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, उधर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इधर आपने थोड़ा रिड्यूस कर लिया, तो आपको एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल ब्लेंडेड विंगलेट में आपको कम विंग टिप वोर्टिसेस और स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स रिड्यूस होती हुई दिखेगी। अनदर डायग्राम अगेन आप देख सकते हैं, ये ब्लेंडेड के बारे में दिखा रखा है कि कम है आपका इंड्यूस ड्रैग और आपका विंग टिप वोर्टिसेस कम है, और यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा फॉर्मेशन है। आई होप इंड्यूस ड्रैग का आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इंड्यूस ड्रैग को कॉन्सिक्वेंटली मैं कह सकता हूँ लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग है, ठीक है, तो जैसे जैसे लिफ्ट बढ़ती है ये भी बढ़ता है, ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, अगेन ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस वाला फंडा, आपका जो फ्लो है लोअर सरफेस से अपर सरफेस की तरफ मूव करता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, फिर उसके बाद आपका जो जो ये इनवर्ड वेलोसिटी और आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है इन अपर और लोअर सरफेस के, वो टेंडेंसी रखते हैं एक अंदर और एक बाहर,
उसकी वजह से ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस क्रिएट होंगे, वो ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस आपके धीरे धीरे टिप की तरफ मूव करेंगे, तो टिप पे आपका स्ट्रांग वोर्टिसेस फॉर्म करते हैं, तो ये कहलाते हैं स्ट्रांग विंग टिप वोर्टिसेस। इसी का सारा फंडा इंड्यूस ट्रैक पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट इज अवर वेव ड्रैग। वेव ड्रैग इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ शॉक वेव अराउंड द एयरक्राफ्ट इन सुपरसोनिक फ्लाइट और अराउंड सम सरफेस ऑफ द एयरक्राफ्ट वाइल इन ट्रांसोनिक फ्लाइट। ये वेव ड्रैग हमारा शॉक वेव की वजह से फॉर्मेशन होता है, तो आपको ये याद रखना है, इट अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉक वेव। शॉक वेव हमारे हाई मैक नंबर पे भी फॉर्म हो सकती है, क्योंकि ये सुपरसोनिक फ्लाइट मतलब जब मैक नंबर 1 से बड़ा हो जाता है उस केस में, या फिर ट्रांसोनिक फ्लाइट में ये आपको देखने को मिलेगा, शॉक वेव वहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे। हाउ टू रिड्यूस दिस ड्रैग, देर आर सो मैनी फीचर। पहला विंग स्वीप, यानी कि स्वीप बैक विंग जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा थिन विंग, आप थिन विंग यूज़ करेंगे तो भी वेव ड्रैग रिड्यूस हो जाएगा। फ्यूजलेज के शेप पे आप काम करिए तो भी वेव ड्रैग आपका रिड्यूस हो जाएगा। फिर सुपर क्रिटिकल एयरोफॉयल, इसका तो मैंने आपको पूरे पूरे पॉइंट्स दिए हैं, तो आप इस पर एनालाइज कर सकते हैं। और स्वीप बैक विंग के बारे में जब मैं प्लान फॉर्म में डिटेल में जाऊँगा तो वहाँ पर आएगा ही आएगा, फिलहाल आप इस पर फोकस करिए। सुपर क्रिटिकल एयरोफॉयल के जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो सुपर क्रिटिकल एयरोफॉयल यानी कि फ्लैट अपर सरफेस रहता है उसका, और नीचे आपका थोड़ा सा कर्वेचर टाइप रहेगा, और जो नोज़ रेडियस है वो भी लार्ज रहती है सुपर क्रिटिकल एयरोफॉयल। ये सारे जो चारों पॉइंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज देर कैन बी सो मैनी, बट दीज फोर आर इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई मेंशनड ओवर हियर। तो वेव ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए आप विंग स्वीप यानी कि स्वीप बैक विंग, अल्ट्रा थिन विंग्स, फ्यूजलेस शेप पे काम करेंगे, या फिर सुपर क्रिटिकल एयरफॉइल का इस्तेमाल करके आप वेव ड्रैग को रिड्यूस कर सकते हैं। वेव ड्रैग प्रोड्यूस कैसे होगा, इट प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉक वेव। शॉक वेव कब प्रोड्यूस होगी, जब सुपरसोनिक फ्लाइट रहेगी या ट्रांसोनिक फ्लाइट रहेगी, मतलब मैक नंबर 1 से बड़ा रहेगा, उस केस में आपको ये टाइप का ड्रैग देखने को मिलेगा। सो गाइज थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, एंड आई थिंक दिस वीडियो इज टू लॉन्ग बिकॉज इंड्यूस ड्रैग टॉपिक वॉज इन डीप। सो आई होप जितना मैंने शेयर किया है उतना आपको समझ में आया होगा। इवन दो इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, आई विल हेल्प कि मैं उन्हें सॉर्ट आउट कर पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी बैक विद अनदर एविएशन वीडियो। थैंक यू।